अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं या आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है या आपको डायबिटीज है तो डेफिनेटली या कोई एक सीवियर एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं या आप ऐसे हाई रिस्क प्रोफेशन में हैं जैसे कि पायलट हैं या कोई आप ऐसी हैवी मशीनरी ऑपरेट करने वाले हैं जिसमें आपको सडनली कुछ दिक्कत आने से दूसरों को भी नुकसान हो सकता है या हैवी नुकसान हो सकता है तो आपको ब्लड चेकअप के लिए ध्यान रखना। जो यंग एज में तो अलग तरह की डिजीज देखी जाती है, पैदाइशी किसी को दिल में छेद है या किसी का वॉल खराब है वो डिजीज को हम हार्ट हेल्थ में नहीं गिन रहे। अभी हम हार्ट हेल्थ में स्पेशली बात कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसमें हार्ट की नसों का ब्लॉक बनता है। तो ये तो आजकल इतना प्रेवलेंट नहीं है कि अभी हम एडोलेसेंट एज में देखा जाए ये, लेकिन हम 25 से 30 साल के बाद ऐसे केस देखने शुरू कर देते हैं। खासकर मैंने जो बताया यंग एज में अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, मोटापा है, स्मोकिंग करते हैं, डायबिटीज़ है या उनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, उनके पेरेंट्स या भाई बहनों में यंग एज में हार्ट डिजीज हुई है, तो इवन यंग लोगों में भी इवन 30s की एज में भी आजकल हम काफ़ी पेशेंट्स देख रहे हैं जिनकी हार्ट की नसों में ब्लॉक है। सर आपने ना स्टार्टिंग में बात कही थी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट के लिए क्योंकि स्ट्रेस जितना रहता है उससे भी हमारी हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती है। तो सर आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को अपना मैनेज करने के लिए स्ट्रेस? देखिए सबसे पहले तो आप अपनी बैलेंस ड्राइव रखिए, आपको अपने वर्क पर उतना ही ध्यान देना है, अपनी फैमिली पर ध्यान देना है, अपना सोशल सर्कल मेंटेन करना है। स्ट्रेस हो तो आप किसी से शेयर करें ऐसा स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें अपना स्ट्रेस शांत करने के लिए। आप योगा मेडिटेशन पे ध्यान दें, फिजिकल एक्टिविटी करने से भी स्ट्रेस कम होता है, अच्छे व्यवहार अच्छे एनवायरमेंट में रहने से भी स्ट्रेस कम होता है, और कुछ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है तो वो भी आप शेयर करें या उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। स्ट्रेस से हार्ट पर लोड पड़ता है क्योंकि स्ट्रेस से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में जो हार्ट को नुकसान पहुँचाते हैं। स्ट्रेस डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो आजकल हम यंग लोगों में भी हार्ट डिजीज देख रहे हैं। ओके सर मैं ये जानना चाहूँगी, मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि हार्ट हेल्थ या फिर हम कहें हार्ट चेकअप्स वो हमें कितने कितने टाइम में कराते रहना चाहिए और कौन कौन से चेकअप हमें रेगुलरली या फिर वंस इन अ ईयर करा लेना चाहिए? देखिए वैसे तो गाइडलाइंस कहती हैं कि प्रिवेंटिव चेकअप का ज़्यादा रोल नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं या आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है या आपको डायबिटीज़ है तो डेफिनेटली या कोई एक सीवियर एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं या आप ऐसे हाई रिस्क प्रोफेशन में हैं जैसे कि पायलट हैं या कोई आप ऐसी हैवी मशीनरी ऑपरेट करने वाले हैं जिसमें आपको सडनली कुछ दिक्कत आने से दूसरों को भी नुकसान हो सकता है या हैवी नुकसान हो सकता है तो आपको प्रिवेंटिव चेकअप के लिए ध्यान है। नहीं तो प्रिवेंटिव चेकअप आपको सिर्फ अपने सिम्टम्स आने पर या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होने पर कराना है, या एक ऐसा स्कोरिंग सिस्टम भी है आजकल इंटरनेट पर अवेलेबल है जिससे आप अपनी एज, अपना कोलेस्ट्रॉल, अपना स्मोकिंग, बॉडी मास इंडेक्स, वेट डालकर आप अपना अगले 10 साल का एक एवरेज प्रिडिक्शन देख सकते हैं कि आपको हार्ट डिजीज होने का कितना परसेंट चांस है अगले 10 सालों में। अगर वो चांस आपका 7.5 या 10% से ऊपर है तो उसको हाई रिस्क कहते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर कार्डियक इवेंट्स। ऐसा रिस्क है तो आप किसी डॉक्टर से मिलकर अपना हार्ट का चेकअप करा सकते हैं। यूजली जो हमारा प्रिवेंटिव चेकअप है जो हम हार्ट के लिए करते हैं वो यूजली पेशेंट को हम जो बेसिक नॉन इन्वेसिव टेस्ट से करते हैं, हम पहले इन्वेसिव टेस्ट पर नहीं जाते प्रिवेंटिव चेकअप के लिए। तो हमारे पास एक तो क्लिनिकल जजमेंट से पेशेंट को हम भागते हैं कि पेशेंट क्या तकलीफ बता रहा है, क्या सिम्टम्स हैं, उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसको शुगर है, उसकी फैमिली हिस्ट्री है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। तो बेसिक चेकअप तो हमारा ECG, इको, TMT जो हमारे नॉन इन्वेसिव टेस्ट जो क्लिनिक पर भी हो सकते हैं बिना एडमिशन के, हम इन टेस्टों से आइडिया लगाते हैं। अगर किसी पेशेंट में हमें ऐसा लगता है कि ये हाई रिस्क पर है हार्ट अटैक के या इसमें ऐसा सिम्टम्स आ रहे हैं कि इसको नुकसान हो सकता है तो हम उसको फिर भर्ती कर इन्वेसिव चेकअप करते हैं जिसमें एंजियोग्राफी आता है या CT एंजियोग्राफी आता है। ओके एंड सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जैसे आप लाइक यू आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स इन महाराजा इंटरनेशनल हॉस्पिटल आपने लगाया, सो इस टाइम पर हार्ट से रिलेटेड कौन सी ऐसी बीमारी आप सबसे ज़्यादा देख रहे हैं आजकल और हमारे व्यूअर्स को भी इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए इस बीमारी से हार्ट रिलेटेड? हार्ट रिलेटेड बीमारी जैसे मैंने बताया हार्ट डिजीज को इस समय
हार्ट डिजीज का मतलब यही मान के चलते हैं कि उसको हार्ट की ब्लॉकेज वाली बीमारी है। हार्ट की बीमारियाँ और भी हम काउंट करते हैं, वॉल का खराब होना या हार्ट के में छेद होना, बट वो बीमारियाँ ऐसी हैं जो आपके लाइफस्टाइल से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होती, जो आपके लाइफस्टाइल से जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल को चेंज करके, वो तो हार्ट अटैक वाली बीमारी जिसमें हार्ट की ब्लॉकेज होती है उसी बीमारी की बात कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा मेन है अभी इस टाइम पर। ओके सर, इट वाज अ ग्रेट इंटरव्यू, एंड टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज बताएं अपने हार्ट हेल्थ ठीक रखने के लिए। आपने ऑलरेडी बताया कि फिजिकल हेल्थ एंड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट अगर कुछ और भी बाकी है तो सर प्लीज। देखिए, जो मैंने जैसे पहले भी बताया हार्ट के जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको उन्हीं को ठीक रखना है ताकि आपका हार्ट हेल्थ ठीक रहे। उसमें सबसे पहले तो स्मोकिंग है, ये ऐसी चीज़ है जो प्रिवेंटेबल है, जो आप रोक सकते हैं। कुछ बीमारी तो ऐसी है, कुछ आपके फैक्टर्स तो ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़ या फैमिली हिस्ट्री, जो भगवान से ही आपको डिजीज़ मिली है और आप उसका कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, उसको तो बस आपको कंट्रोल ही कर सकते हैं। बट एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद डेलिब्रेटली करके नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग तो बिल्कुल त्याग दीजिए। स्मोकिंग का तो मैंने बताया 3 गुना रिस्क बढ़ जाता है हार्ट डिजीज होने का स्मोकर्स को। शुगर है, चलो अनलकली अगर आप शुगर पेशेंट हो तो भी आप उसे कंट्रोल में रखिए, लेवल ठीक रखेंगे, हर 3 महीने में शुगर टेस्ट कराते रहेंगे, लेवल ठीक रहेगा तो भी आप हार्ट डिजीज को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। स्मोकिंग डायबिटीज मेन फैक्टर्स हैं, उसके अलावा मैंने बताया मोटापा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, फैमिली हिस्ट्री, डाइट एंड एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें आप जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं इन सब पे जितना ध्यान देंगे उतना आप अपना रिस्क कम कर पाएंगे, उतनी आप अपनी लाइफ अच्छी हार्ट हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। बिल्कुल सर, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर द ग्रेट इंटरव्यू, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। थैंक्स।